हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका टेक रिव्यू रूम में, जहां आपको मिलती है अनबॉक्सिंग रिव्यू एंड कंपैरिजन वीडियोस। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे LG एक्स बूम गो PK3 की अनबॉक्सिंग रिव्यू एंड साउंड टेस्ट। देखेंगे इस पे कुछ सॉन्ग प्ले करके कि कैसे ये साउंड प्रोड्यूस करता है, कैसे इसमें मिड हाईज वोकल और बेस की क्वालिटी मिलती है और आपको ये बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग के साथ ही इसकी स्पेसिफिकेशन पे भी नज़र डाल लेते हैं। बात करें स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 8 वाट के 2 स्पीकर मिल जाते हैं। दोनों का ही टोटल पावर आउटपुट 16 वाट हो जाता है। बात करें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की तो इसमें आपको 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखने को मिल जाएगा। इसकी दोनों तरफ आपको डुअल बेस पैसिव रेडिएटर देखने को मिल जाते हैं। बात करें बैटरी की तो इसमें आपको 5200 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसका बैटरी बैकअप LG ने क्लेम किया है 12 घंटे का। रियल यूजेज में आपको 8 से 9 घंटे का बैटरी बैकअप बड़े आराम से देखने को मिल जाएगा। साथ ही आपको इसमें IPX7 की सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाती है, तो ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ स्पीकर है। बात करें कनेक्टिविटी की तो इसमें आपको ऑक्स एंड ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के साथ में USB की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो LG ने कहीं भी जिक्र नहीं किया है कि इसमें कौन सा ब्लूटूथ वर्जन दिया गया है। दोस्तों, चार्जिंग के लिए इसमें आपको USB Type-C दिया गया है। बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन एंड मटेरियल की तो इसमें काफ़ी अच्छे मटेरियल का यूज़ किया गया है। आपको 3 तरफ इसके प्लास्टिक मिल जाएगा, सामने की तरफ आपको मेटल की ग्रिल देखने को मिल जाएगी। बात करें इसके कंट्रोल बटन्स की तो ऊपर की तरफ इसके सारे कंट्रोल बटन्स देखने को मिल जाते हैं, जिनमें नंबर 1 पे है पावर ऑन ऑफ स्विच। साथ में आपको ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए एक बटन मिल जाता है। साथ में आपको वॉल्यूम प्लस एंड माइनस बटन देखने को मिल जाते हैं। साथ में ही आपको सॉन्ग प्ले एंड पॉज स्विच देखने को मिल जाता है। सॉन्ग प्ले एंड पॉज बटन के साथ में ही आपको वॉइस असिस्टेंट के लिए एक स्विच देखने को मिल जाएगा। इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो इसका वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा और आप इसको वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं आपको इंडिकेशन लाइट मिल जाती है इसके बेस इन्हेंस फीचर की। इसके बैक साइड में एक कैप दी गई है, जिसके नीचे आपको इसकी सारी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आप USB Type-C एंड ऑक्स की कनेक्टिविटी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इसकी स्पेसिफिकेशन एंड इसका ओवरऑल लुक। अब बात करते हैं इसकी साउंड की। साउंड के लिए इस पे कुछ सॉन्ग प्ले करके देखते हैं कि कैसे ये साउंड प्रोड्यूस करता है, कैसे आपको इसमें मिड हाईज वोकल के साथ साथ बेस देखने को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका साउंड टेस्ट। साउंड टेस्ट शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने हेडफोन्स का यूज़ करें साउंड टेस्ट सुनने के लिए। दोस्तों, ये था इसका साउंड टेस्ट। आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इसकी साउंड कैसी लगी। जो यहाँ से मैंने नोटिस किया, इसमें आपको बहुत अच्छी बेस देखने को मिलती है, काफ़ी लाउड ब्लूटूथ स्पीकर है ये, और आपको इसमें वोकल भी काफ़ी अच्छे क्लियर सुनने को मिलते हैं। बट 80% वॉल्यूम के ऊपर जब आप जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा डिटोर्शन देखने को मिलता है, अदरवाइज़ इसमें आपको बहुत अच्छी साउंड की क्वालिटी मिलती है। साथ में ही हम इसका दूसरे स्पीकर्स के साथ में भी कंपैरिजन करके देखेंगे, जो इसी प्राइस टैग में आते हैं, और इसका प्राइस आपको 7,000 to 8,000 रुपये के नियर अबाउट देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में। दोस्तों, आगे मिलते हैं इसी की ही कंपैरिजन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।